कर्नाटक में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ना लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदी जणाव्यु कि भारत हवे विकसित राष्ट्र बनवा तरफ अग्रेसर थई रह्यु छे अने आ तमाम लोकोना प्रयासना कारणे थई रह्यु छे। पीएम मोदीए कह्युं कि घणा लोको सवाल करे छे कि भारत आटला ओछा समयमां विकास केवी रीते करशे, पड़कारोनो सामनो केवी रीते करवामां आवशे, तेनो जवाब तमामना प्रयास छे। देशना दरेक व्यक्तिना सहयोगथी आपणे आ उपलब्धि हासिल करीशुं। छेल्ला 9 वर्षथी देशमां ईमानदारीपूर्वक काम करवामां आवी रह्युं छे। देशे मेडिकल क्षेत्रे घणी नवी उपलब्धि मेळवी छे। पीएम मोदीए कह्युं कि कर्नाटकमां 9000 जेटला आरोग्य केन्द्र छे। कर्नाटका में आज लगभग 70 मेडिकल कॉलेज है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज बीते वर्षों में बने हैं उनमें से एक यहां चिक्कबल्लापुरा में भी बना है। इस वर्ष की केंद्र सरकार के बजट में तो हमने 150 नर्सिंग संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए बहुत अवसर बनने वाले हैं। तो इसरो फरी एक वक्त एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में तरता मुकी रह्यु छे। इसरो श्री हरिकोटा अवकाश मथक ना सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा तमाम 36 सैटेलाइट ब्रिटन नी ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क वन वेब कंपनी माटे तरता मुकी रह्यु छे। ઇસરોએ અગાઉ 2003ની 22 ઓક્ટોબરે મધ્યરાત્રે 12:07 આજ વનવેબ કંપની માટે એક સાથે 36 સેટેલાઇટ સફળતાપૂર્વક તરતા મૂક્યા હતા, તો ભારતની ભારતીય એન્ટરપ્રાઇઝ સર્વિસ વનવેબ કંપનીમાં મહત્વનો હિસ્સો ધરાવે છે। આ 36 સેટેલાઇટ ખરેખર તો વનવેબ કંપની માટેના ઇન્ટરનેટ સેટેલાઇટ્સ છે। આ તમામ 36 ઇન્ટરનેટ સેટેલાઇટ પૃથ્વીથી 1200 કિલોમીટરના દૂરના અંતરે તરતા રહેશે। તો આ નવા 36 ઇન્ટરનેટ સેટેલાઇટ સાથે વન વેબ કંપનીનું પૃથ્વીના વિરાટ ગોળા ફરતેનું કુલ 648 ઇન્ટરનેટ સેટેલાઇટનું એક વિશાળ ઝુંબું પણ પૂરું થશે અને આ તમામ 36 ઇન્ટરનેટ સેટેલાઇટ અંતરિક્ષમાં અલગ અલગ 12 ક્ષેત્રમાં कार्यरत रही समग्र विश्व में ब्रॉडबैंड सर्विस आपशे। सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है। करंट ऑल्टीट्यूड 163 किलोमीटर प्लस 4 मिनट्स। द L110 स्टेज इज पावर्ड बाय ट्विन विकास इंजिन्स। द टोटल बर्न टाइम इज क्लोज टू 200 सेकेंड्स। તો ઇસરો દ્વારા અવકાશમાં 36 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવી રહ્યા છે વિશ્વભરમાં, પૂર્ણતઃ બ્રોડબેન્ડ સેવા અપેક્ષિત પથકો અનુકરણ કરતા હોવા જા રહ્યા હૈ। તો શ્રી હરિકોટાથી ઇસરોએ અવકાશમાં એક મોટી છલાંગ લગાવી છે। કુછ હી સેકન્ડ્સ મે હમ દેખેંગે L110 ચરણ કા પ્રજ્વલન સમાપ્ત હો જાયેગા ઓર तत्पश्चात L110 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। L110 स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ एंड सेपरेटेड। C25 इग्निशन कमांडेड। C25 इग्निशन कंफर्म। सेवरल पीसेस ऑफ गुड न्यूज फॉर द फ्लाइट इवेंट्स। L110 हैज कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन नॉमिनली एंड सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनगोइंग लॉन्च व्हीकल। द C25 क्रायोजेनिक इंजन हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन। L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जा रहा है। प्लस 6 मिनट्स।
इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंतक्षेपण किया जाएगा। 28.55 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट लोडिंग ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तृतीय तथा अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C20 इंजन से बना होता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है। यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। The advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination. Cryo stage performance normal. Having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta V or the velocity addition to the ongoing stage. हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। शार्ट, त्रिवेंद्रम एंड बेंगलुरु ग्राउंड स्टेशंस ट्रैकिंग इन द मीन टाइम। The tracking of the LVM3 OneWeb India 2 mission is carried out through a network of ground stations of ISRO Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission, Sriharikota, Bengaluru, Trivandrum, Antarctica, Svalbard and Lucknow ground stations are participating. Plus 9 minutes. To canter to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits, a shipborne terminal is deployed to importantly view the cryostage operational regime and the separation of first and second batch of performance normal. For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board, and when the next ground station, Svalbard, is starting to acquire the data, the confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. वन वेब समूह का यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत यह दूसरा प्रमोशन मिशन है। इस समझौते के तहत 72 उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है, जिसमें से 36 उपग्रह LVM3M2 वन वेब इंडिया वन मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं। वडाप्रधान मोदी शनिवारे कर्नाटक ने मुलाकाते पहुंचा था। दरमियान पीएम मोदीए चिका वल्लापुर में मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नु उद्घाटन कर्यु। पीएम सत्यसाई ग्राम ने सेवा नु अद्भुत मॉडल गणाव्यु। तेमणे शिक्षण और आरोग्य पहल द्वारा संस्था द्वारा हाथ धरवामां आवता मिशन की प्रशंसा करी। तेमणे कह्युं कि मेडिकल कॉलेज आज उद्घाटन थी आ मिशन वधु मजबूत थयुं छे।
कर्नाटकना दावणगिरीमां शनिवारे जाहेरसभाने संबोधता वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं कि कर्नाटकना लोकोए राज्यमां फरीवार डबल एंजीननी सरकारने लावानो निर्णय कर्यो छे। आ जाहेरसभा पहेला वडाप्रधान मोदीए मेगा रोड शो कर्यो। रोड शो दरमियान तेमणे जोवा माटे मोटी संख्यामां लोको उमटी पड्या। आ वर्षे कर्नाटकमां विधानसभानी चूंटणी योजाशे, जो कि आ मुद्दे हजे सत्तावार जाहेरात करवामां आवी नथी। भाजप अने जेडीएस कर्नाटकमां चूंटणी प्रचारनो प्रारंभ कर्यो। वर्ष 2024ની लोकसभा चूंटणी पहेला तमाम राजकीय पक्षों माटे कर्नाटक विधानसभानी चूंटणी महत्वपूर्ण छे। हमारा जो मंत्र है दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो वंचित है उन वंचितों को वरीयता, वंचितों को प्राथमिकता, ये हमारे हर कदम में नजर आती है, ये हमारे संकल्प को दिखाता है। कांग्रेसे कर्नाटक विधानसभा चूंटणी माटे 124 उम्मीदवारोनी प्रथम यादी जाहिर करी। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार कनकपुराथी चूंटणी लड़शे, ज्यारे कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाने वरुणाथी टिकीट आपवामां आवी। चूंटणी पंचे हजु कर्नाटक विधानसभा चूंटणीनी तारीखो जाहेर करी नथी। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार चूंटणी पंच रविवारे अथवा आ सप्ताहनी शुरूआतमां राज्यना विधानसभा चूंटणीना कार्यक्रमनी जाहेरात करी शके छे। चूंटणीना कार्यक्रमनी जाहेरात थता समग्र राज्यमां आदर्श आचारसंहिता लागू थई जशे। कर्नाटकनी वर्तमान विधानसभानो कार्यकाळ 24 મહિના रोज समाप्त थशे। त्यां सुधीमां पंचे 224 बैठको धरावती विधानसभानी चूंटणी माटे चूंटणी प्रक्रिया पूर्ण करवी पड़शे। लोकसभामांथी गैरलायक ठेरव्या बाद राहुल गांधीए शनिवारे जणाव्युं कि तेमणे लोकसभा स्पीकरने अनेकवार चिठ्ठी लखी, परंतु तेनो कोई जवाब मळ्यो नथी अने माटे तेओ लोकसभाना स्पीकरने मळ्या हता अने संसदमां बोलवानी मंजूरी मांगी हती। राहुल गांधीए कह्युं कि अदाणीनी अनेक शेल कंपनीओ छे, अदाणीनी कंपनीमां 20,000 કરોડ रूपया कोना छे अने क्यांथी आव्या छे। राहुल गांधीए स्पष्टता आपता कह्युं कि तेमणे क्यारे विदेशी ताकातो पासेथी मदद मांगी नथी। अदाणी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया? अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે પ્રશ્ન પૂછતા જણાવ્યું કે અદાણી અને પીએમ મોદીના સંબંધ ખૂબ જ જૂના છે, સંસદમાં મારા ભાષણને હટાવવામાં આવ્યું હતું, મને ગેરલાયક ઠેરવી અવાજ દબાવી શકશો નહીં, ભાજપ મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન ભટકાવવા માંગે છે। અદાણીજી ઓર નરેન્દ્ર મોદીજી કે રિશ્તે કે બારે મેં ડિટેલ મેં બોલા, રિશ્તા નયા નહીં હૈ, રિશ્તા પુરાના હૈ। જબ નરેન્દ્ર મોદીજી गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई, यह सवाल मैंने पूछा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार जणाव्यु कि मैंने गैरलायक ठेरवी ने अवाज दबावी शकशो नहीं, हूं कोई ना थी डरतो नहीं, વાયનાડના લોકો સાથે પારિવારિક સંબંધ છે, હું ઈચ્છી રહ્યો છું કે તેમને ચિઠ્ઠી લખું, હું પ્રજા વચ્ચે જઈશ અને મારું કામ છે, આ દેશે મને ઘણું આપ્યું છે, મને લોકસભાની સદસ્યતા મળે છે કે ન મળે પણ હું મારું કામ કરીશ। સવાલ પૂછના મેં બંધ નહીં કરૂંગા। નરેન્દ્ર મોદીજી કા અદાની કે સાથ ક્યા રિશ્તા હૈ ઓર 20,000 કરોડ રૂપિયા કિસકે હૈ, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। મોદી અટક અંગે ટિપ્પણી કરતા માનહાનિના કેસમાં રાહુલ ગાંધીને અયોગ્ય જાહેર કર્યા હતા, ત્યારબાદ હવે શનિવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સમગ્ર બાબતે અરજી દાખલ કરી હતી।
अरजी में मांग कराई है कि विधानसभा के संसद ना चूंटायेला प्रतिनिधिओ ने दोषी ठेरवाया बाद तेमने आपमेळे अयोग्य जाहिर करवामां ना आवे। सभ्यपद रद्द करवानी जोगवाई सामे सुप्रीम कोर्ट में अरजी दाखल करी छे। किरणना आभा मुरलीधरे राहुल गांधी ना केस बाबते सुप्रीम कोर्ट में अरजी करी। अरजी में महिलाएं लोक प्रतिनिधित्व कायदा की कलम 8(3) ने गैरबंधारणीय जाहिर करने की मांग करी। लोकसभा में गैरलायक ठेरव्या बाद भाजपे राहुल गांधी पर आकरा प्रहार कर्या। भाजपा नेता रविशंकर प्रसादे शनिवारे कहूं कि वर्ष 2019 में राहुल गांधीए मोदी समाज नु अपमान कर्युं छे अने तेमने गैरलायक ठेरवा अने अदाणी विवाद मुद्दे कोई संबंध नहीं। रविशंकर प्रसादे कहूं कि राहुल गांधी ने टीका करवानो अधिकार छे परंतु अपमानित करवानो नहीं। प्रसादे कहूं कि कांग्रेस उपली कोर्ट में केम गैरलायक ठेरवाना निर्णय ने पड़कारी रही नहीं। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी में राजकीय लाभ मेळवा माटे आ मुद्दो उठावी रही छे। तेमणे कहूं कि गैरलायक जाहेर थनारा राहुल गांधी पहला व्यक्ति नहीं। इतिहास में तेमनी पहला पण 31 लोगों ने गैरलायक ठेरवामां आवी चुक्या छे जेमां भाजपना केटलाक लोको पण सामेल छे। कांग्रेसे अगाउ पुलवामा हुमलाना शहीदोनुं पण अपमान कर्युं हतुं। गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझ कर बोले थे, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था। गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा 2019 मानहानि केस में दोषी ठेरवामां आव्या बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करवामां आवी। त्यारबाद कांग्रेसे भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी विरुद्ध मोर्चो खोल्यो। वास्तव में 2019 में कर्नाटक में एक जाहिर सभा में राहुल गांधीए कहूं हतुं कि मोदी बधा चोरों की अटक केवी छे, जेना पछी भाजपना एक कार्यकर्ताए तेमनी सामे मानहानिनो केस दाखल कर्यो। तेज समय अभिनेतामांथी राजकारणी बनेला खुशबू सुंदरनु एक जूनू ट्वीट वायरल थई रह्युं छे। मीडिया रिपोर्ट्समांथी प्राप्त माहिती अनुसार वर्ष 2018 में ज्यारे खुशबू सुंदर कांग्रेसमां हती त्यारे तेमणे करेलुं जूनू ट्वीट सोशियल मीडियामां वायरल। मानहानि केसना चुकादा बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधीए लोकसभानी सदस्यता गुमावी छे, जे बाद कांग्रेसना नेताओ तेमज अनेक राजकीय पक्षोए तेमनो खुल्लेआम विरोध कर्यो। आ दरमियान तिरुवनंतपुरमना सांसद अने कांग्रेसना नेता शशि थरूरे पण पोतानी प्रतिक्रिया आपी अने कह्युं कि भाजप अवादने दबावा मांगे छे, परंतु हवे राहुल गांधीने लोकसभानी सदस्यता रद्द करवानो अवाज दुनियाना खूणे खूणेथी संभळाई रह्यो छे। घणा मीडिया कवरे शेर करीने कांग्रेस नेताए ट्वीट कर्युं, तेवो एक अवाजने शांत करवानो प्रयास कर्यो। हवे विश्वना दरेक खूणामां भारतनो अवाज संभळाई रह्यो छे। भारतीय अमेरिकन धराशास्त्री आरओ खन्नाए कहूं कि राहुल गांधी ने संसद में हांकी काढ़वा ए गांधीवादी फिलोसॉफी और भारत ना ऊंडा मूलिया मूल्यों साथ ऊंडो विश्वासघात कर्यो होवानो लागी रह्यो छे। एनसीपीना वडा शरद पवारे लोकसभा में राहुल गांधी ने गैरलायक ठेरवानी कार्यवाही ने बंधारणना मूलभूत सिद्धांतों विरुद्ध होवानो गणाव्यो। तेमणे दावो कर्यो कि आ प्रकारना पगला लोकशाहीना घटता मूल्यों दर्शावे छे। शरद पवारे कहूं कि थोड़ाक महीना पहला तेमनी पार्टीना सांसद मोहम्मद फैजल ने पण हत्याना गुनामां दोषी जाहिर कराया बाद गैरलायक ठेरवामां आव्यो हतो, जो कि त्यार पछी केरळ हाईकोर्टे तेना पर स्टे आप्यो। पवारे कहूं कि आपणुं बंधारण दरेक नागरिकने न्यायना अधिकारनी खातरी अने विचारोनी स्वतंत्रता आपे छे। लोकतांत्रिक संस्थानोने बचाववा माटे आपणे साथे उभा रहेवुं जोईए। राहुल गांधीने लोकसभामांथी अयोग्य ठेरव्या बाद छत्तीसगढ़ना सीएम भूपेश बघेले भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाना ओबीसी निवेदन पर पलटवार कर्यो। सीएम भूपेश बघेले कहूं कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहवा मांगू छू कि तमे पछात लोकोना नाम पर मगरना आंसू पाड़वानो बंद करो। छत्तीसगढ़मां हवे विधानसभामां सर्वसम्मतिथी अनामत बिल पास कर्यू छे। भाजपे हमेशा वर्गोनी उपेक्षा करी छे, तेमनी वच्चे भेद पाड़वानुं काम भाजपे कर्यू छे। छत्तीसगढ़मां शुक्रवारे मोटी संख्यामां कांग्रेस पार्टीए केन्द्र सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर्यू हतुं। आ पहेला सीएम भूपेश बघेले ट्वीट कर्यू અને કહ્યું કે તાનાશાહનો સૌથી મોટો ડર એ છે કે લોકો તેનાથી ડરવાનું બંધ ન કરે, તમે તેને ડરાવવા માંગો છો જે આખા દેશને કહે છે ડરશો નહીં। भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे को लेकर डाइवर्ट करना चाहती है और राहुल गांधी जी उसमें अड़े हुए हैं कि सेल कंपनियों में 20,000 पैसे डालेंगे। इस सवाल का जवाब वो लेके रहेंगे, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन करें, चाहे माफी मांगने की बात करें, चाहे आरक्षण का मुद्दा लाएं, वो कोई इधर उधर नहीं होगा। सीधी बात है कि अडानी की कंपनी 20,000 करोड़ आए। કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીને લોકસભાના સભ્યપદેથી ગેરલાયક ઠેરવ્યા બાદ બહુજન સમાજ પાર્ટીના વડા માયાવતીએ પોતાનું મૌન તોડ્યું।
मायावती ट्वीट कर आ मामले अभिप्राय व्यक्त कर कहूं कि कांग्रेस पार्टी विचारव जो है कि वर्ष 1975 में जे थयु योग्य हवे तेमना नेता राहुल गांधी साथ थई रह्यु छे ते पण योग्य छे। मायावती ट्वीटर पर लख्यू कि पहला कांग्रेस और हवे भाजप सरकार दरेक स्तरे अत्यंत स्वार्थनी राजनीति ने कारण मोटा भागना मामला में जनहित जनकल्याण और देश हित की गंभीर समस्याओं ने दूर कर रही है। गरीबी बेरोजगारी ने पछातपणू वगैरह कांग्रेस आ महत्वपूर्ण कार्य पर संपूर्ण ध्यान न आपवू खूब ज दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण छे। भाजप सांसद वरुण धादी फरीवार पोताना निवेदनना कारणे चर्चामां छे। तेमणे एक कार्यक्रममां कह्युं कि 14 वर्षथी कोई पगार लीधो नथी, न तो हूँ सरकारी घरमां रहूं छूं, मैं राजकारणथी कोई लाभ उठाव्यो नथी, बाकी सांसदो अने धारासभ्यो कमिशन खाय छे, ए पण 20%, 30%। तेमज तेमणे कह्युं कि दुनिया जाणे छे कि जेमनी पासे खावा माटे रोटलो नहोतो तेओ आजे फोर्च्युनरमां फरी रह्या छे। तेमणे वधुमां जणाव्युं कि हूँ 4 वर्ष पहेला तमारी समक्ष आज गाडीमां तमारी सामे आव्यो हतो अने बनी शके कि 4 वर्ष पछी पण आज गाड़ी में तमारी पासे आवीश। तेमणे यूपीना संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में टिप्पणी करी। वरुण गांधीए कह्युं कि जे लोको अधिकारी सामे वात रजू नथी करी शकता ते अधिकारीओथी तेमनुं सन्मान काढ़वा माटे आव्यो छुं। तेमणे कह्युं छे कि मने याद छे ज्यारे हूँ पहेलीवार संसद गयो हतो त्यारे संसद भवन में अंदर जईने मैं जोयुं के एक थी एक मोटी मोटी गाड़ी उभी हती। मैं एक पत्र तमाम सांसदों ने लख्यो, मैं कहूं कि आपने सौए देश माटे आपणो पगार छोड़ी देवो जोईए जेथी देश ने एक मैसेज मळे कि आपणे राजकारण में पैसा माटे नथी, आपणे राजकारण में संकल्पित थईने आव्या छीए। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह शनिवारे मध्यप्रदेश की मुलाकाते पहुंचा। दरमियान तेमणे कांग्रेस पार्टी पर शाब्दिक प्रहार करता कहूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पछात समाज की बात करती थी, परंतु पछात समाज कल्याण माटे कोई काम कर्यु नथी। 2014 में मोदी ने देश वडाप्रधान बनाव्या त्यारे मोदीजीए पछात वर्ग राष्ट्रीय आयोग ने बंधारणीय दरज्जो आपीने पछात समाज सन्मान पायो नाख्यो। हमारा छिंदवाड़ा क्षेत्र जनजाति भाइयों से भरा हुआ पड़ा है, पिछड़े समाज के भाइयों बहनों से भरा हुआ है। ये छिंदवाड़ा क्षेत्र में मैं जब आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने आदिवासियों और पिछड़ा समाज के लोगों के सम्मान की चिंता की। केन्द्र में राहुल गांधी की सदस्यता बाद जो राजकीय उथलपाथल शुरू थे जवा रही है तमाम हजू घना नवा वड़ांकों बाकी है। एवं महाराष्ट्र में समाचार मिली आया कि अहीं विशेष अधिकार भंगना प्रस्ताव पर नोटिस ने लई संजय राउत विरुद्ध कार्यवाही थी सके। अहवाल अनुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरे शनिवार माहिती आपी कि संजय राउत विरुद्ध विशेष अधिकार भंगनो प्रस्ताव राज्यसभा में मोकलवामां आवी रह्यो छे। आ प्रस्ताव संजय राउत ने विवादास्पद टिप्पणी संबंधित है जेमां तेमणे विधान परिषद ने चोर मंडल तरीके ओळखाव्यु हतुं। जो कि राउते पाछळथी तेमनी स्पष्टता करता कह्युं कि तेमणे आवी टिप्पणी मात्र शिंदे जूथ माटे करी हती। कोईपण पार्टी द्वारा चूंटणी लक्षी कोईपण पगलू लेवामां आवे तो तेमां राजकारण ने साथे जातिगत समीकरण पण ध्याने लेवामां आवे छे अने आ रीते भाजप पहेलेथी चूंटणी दरमियान कोईपण टिकिट जाहेर करे त्यारे जे ते विस्तारनुं जातिगत समीकरण ने प्राथमिकता आपती होय छे। भाजपे पण राजस्थानमां किमियो लागू कर्यो जेमां चित्तौड़गढ़ना सांसद सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाव्या छे। सीपी जोशीना प्रमुख बनतानी साथे राजस्थान में ब्राह्मणनुं राजकीय महत्व फरी वधी शके तेवुं चर्चाई रह्युं छे। राजस्थान में भाजपा नवा अध्यक्ष सीपी जोशी ने मैदान उतारता की साथ भाजपे राजस्थान में सौथी महत्वपूर्ण मतबैंकों की एक ब्राह्मण समुदाय ने मदद करने प्रयास कर्यो छे, परंतु प्रश्न ए छे कि भाजप अन्य ज्ञाति समीकरणों ने केवी रीते मैनेज करशे।